नमस्कार, मैं हुरवाने तरफ सबका स्वागत है मेरे चैनल द बॉन्कर कनेक्शन पर। आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ एक नए फिल्म के गानों पर। फिल्म का नाम है जग्गू अनी जूलियट। ये एक मराठी फिल्म है और इसके गानों पर आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने को कहा था। इसे कंपोज किया है अजयतुल सर ने, तो आई एम डेफिनेटली डाउन फॉर इट। जो पहला गाना जिसके ऊपर मैं रिएक्ट करने वाला हूँ उसका नाम है भवि अमदार सॉन्ग, और इसे गाया है अतुल गुगावले ने और लिरिक्स और म्यूजिक दिया है अजय अतुल सर ने। तो आई एम रियली रियली एक्साइटेड टू लिसन टू दिस। लेट्स डू दिस इन 3, 2, 1। Unexpected. जिंगार की याद दिला दे।
हाँ क्या गाना है यार। अशाच धमाकेदार गाण्यांसाठी फिल्मसाठी लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा एव्हरेस्ट मराठी। क्या बात है। पहली बात तो जबरदस्त गाना है, कंपोजिशन जबरदस्त होने ही वाला है। आपको पता है क्योंकि अजय दिल सर है, बहुत ही कैची लिरिक्स और बीट्स थे। लिरिक्स मैंने पढ़े नहीं ऑफ कोर्स, लेकिन समझ में आ रहा था कि इट्स गोइंग टू बी अ फन सॉन्ग, अ फन नंबर। पार्टी के नेता लग रहे थे मुझे पहली बात तो। मुझे पता नहीं, एक्टर जो है, जो मेन एक्चुअली जो डांस कर रहे थे, सीनियर एक्टर जो है, ही वॉज फेनोमिनल। उनके एक्सप्रेशन, उनके एनर्जी, उनका करिश्मा और स्टाइल एकदम मस्त था, मस्त। और जो मेन एक्टर है, ही हैज अ लॉट ऑफ एनर्जी, और उनके डांस मूव्स बहुत शार्प थे। आई लव्ड हिज एनर्जी एज वेल। दोनों की जो जोड़ी थी बहुत ही मजेदार थी, एंड आई वुड लाइक टू सी मोर। मैंने इसका ट्रेलर अभी तक नहीं देखा है, तो मैं अभी गानों पे रिएक्ट कर रहा हूँ। मैं ट्रेलर पे भी रिएक्ट करूंगा, लेकिन गानों पे रिएक्ट कर लूँ पहले, क्योंकि आई हैव लव्ड अजय अतुल सर्स म्यूजिक फ्रॉम अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। एंड उनके हर एक गाने पे कुछ ना कुछ अमेजिंग होता है, उनको पता होता है कि अमेजिंग होने वाला है। ये मुझे डेफिनेटली जिंगट वाली फीलिंग मुझको दी, थोड़ा सा मॉडर्नाइज्ड वर्जन ऑफ जिंगट, बट डेफिनेटली इट हैज इट्स यूनिक अपील एज वेल। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द सेकेंड सॉन्ग, जो कि है कधी कधी ना तुला, कधी ना तुला। और इसे गाया है, मैं देख लू क्रेडिट्स एक बार, सिद्ध श्रीराम ने। हाँ क्या बात है, और एक अमेजिंग सिंगर। लिरिक्स दिए है गुरु ठाकुर ने और म्यूजिक दिया है अजय अतुल सर ने। लेट्स डू दिस। सिद्ध श्रीराम है तो जरूर रोमांटिक नंबर ही होगा, एक्सपेक्टिंग दैट। लेट्स डू दिस इन 3, 2, 1 एंड गो। लोकेशन so cute
बहुत ही खूबसूरत अशाच धमाकेदार गाण्यांसाठी आणि फिल्म्स साठी लाइक शेअर आणि सबस्क्राइब करा एव्हरेस्ट मराठी। बहुत ही खूबसूरत है ऑफ कोर्स। एंड दो अजय तो सर के गानों में एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग होती है, हर एक गाने में वो फील आता है कि पहले भी ऐसा ही म्यूजिक हमने सुना है। इट स्टिल इज वेरी फ्रेश एंड न्यू एंड एक एपिक फील आता है गानों पे। ऐसा लगता है कि इट्स एक्चुअली मेंट फॉर दिस फिल्म। और एक गाना ना एक फिल्म को और भी एक फील दे सकता है। बैकग्राउंड म्यूजिक, बैकग्राउंड स्कोर और जो नॉर्मल म्यूजिक कंपोजिशंस होते हैं वो एक फिल्म को, एक फिल्म के सीन को एक दूसरे लेवल पे पहुंचा सकते हैं। एंड अजय अतुल सर के गाने में ना वो पावर है कि वो हर एक सॉन्ग को, हर एक मोमेंट को और भी ज़्यादा पावरफुल बना देता है। तो एक एपिकनेस आती है, देख के लगता है येस दिस इज द लव स्टोरी ऑफ द सेंचुरी। आप रूट करेंगे कैरेक्टर्स के लिए, आप और भी इन्वेस्टेड हो जाओगे और यू विल फील लाइक वाव दिस इज द मोमेंट यू हैव बीन लिविंग फॉर। आई एम येट टू वॉच वेट बाय द वे, मैंने अभी तक नहीं देखा क्योंकि कहीं पे यहाँ पे रिलीज ही नहीं हुआ है। सो या जब तक ये रिलीज नहीं होता है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कहीं पे मैं नहीं देख सकता। आई एम वेटिंग फॉर दैट। ये फिल्म भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर सॉन्ग्स फ्रॉम दिस मूवी। सो फार दोनों गाने जो मैंने रिएक्ट किए हैं बहुत ही अमेजिंग थे एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लिसनिंग टू मोर ऑफ दीज सॉन्ग्स। सो फार इट्स ब्यूटिफुल। श्री राम, उनकी आवाज़ बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही स्टैंड आउट करती है। उनकी आवाज़ बहुत यूनिक है उनकी आवाज़। और अभी ऐसे इंडस्ट्री में, ऐसे कंपटीशन में स्टैंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उनकी आवाज़ में वो यूनिक क्वालिटी है जो डेफिनेटली उनको स्टैंड आउट करती है क्राउड में एंड यू कैन एक्चुअली मेक आउट इट्स श्री सेड श्री राम्स वॉइस। आई रियली एंजॉय हिज वॉइस बाय द वे। आई लव हिज सॉन्ग सिंगिंग। सो टोटल थम्स अप फॉर हिज सिंगिंग। ओवरऑल कंपोजिशन वॉज ब्यूटिफुल एंड मैग्निफिसेंट। नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बताइए आप लोगों को कैसा लगा मेरा रिएक्शन दोनों गानों पर। अगर और भी गाने निकलते हैं आप मुझे ज़रूर खबर दीजिएगा, मैं ज़रूर रिएक्ट करूँगा आप लोगों के लिए। देखते रहिए, ढेर सारा प्यार बांटते रहिए। आप लोगों को मैं दोबारा मिलूंगा, तब तक के लिए चाओ।